भद्रदरी कोतगुड़म जिला कलेक्टर जितेश वी पाटिल ने पेदावागु प्रोजेक्ट के तहत आने वाले मुतासिरा इलाकों का दौरा किया। हुकाम को नुकसान का जायजा लेकर सैलाब से मुतासिरा रिहायशियों के लिए हिफाजती इकदाम करने की हिदायत भी दी। पेदावागु प्रोजेक्ट से पानी के अखराज के बाद कई गाँव जेरे आप आए हैं। दो देहातों के रिहायशियों को बाहिफाजत महफूज इलाकों में मुंतकिल किया गया है। सैलाब में फंसे अफराद को भी बजरिए हेलीकॉप्टर बचा लिया गया। जुमा को जिला कलेक्टर जितेश वी पाटिल ने सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करते हुए अहदेदारों को जरूरी हिदायत जारी की। उन्होंने हुकाम से कहा है कि वो सैलाब से होने वाले नुकसान का जायजा लें और मुतासर लोगों के हिफाजती इकदाम को यकीनी बनाएं। बताया गया है कि गुमाड़ीवाड़ी गाँव को काफी नुकसान पहुँचा है। हुकूमत ने फौरी तौर पर उस गाँव में दरकार सहूलियात मुहैया करवाने के इकदाम किए हैं। दरियासना अश्वरावपेट के एमएलए जारे आदि नारायणा और पोलावरम के एमएलए चेरी बालराजू ने भी मुतासिरा इलाकों का दौरा किया और आवाम से मुलाकात करते हुए उन्हें हर मुमकिन ताउन करने की यकीन दहानी करवाई। उनके लिए ताम और रिहाइश का भी एहतमाम किया। इस मौके पर भद्रदरी ज़िला SP रोहित राज और कई सरकारी महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। Yesterday in Ashwarapet mandal of Bhadradri Kotagadam district, heavy rainfall has occurred. About over 100 mm rainfall has occurred, and because of which the Peddavagu project was badly affected. And in downstream of these, this project, two villages were evacuated in the night, and there is no loss of life as such. So even the rescue operations were conducted very successfully with support of Eluru district team and our police team, district relief team also was there on time. So we were able to rescue 40 people from flood waters. Apart from that, now as we can see, we are here in Gumadivalli village. We are assessing the damage that has happened to houses and also to properties. And accordingly, relief measures will be taken to provide necessary support to the people. So we have instructed all the villagers to stay in rehabilitation centers to avoid any risk to life whatsoever. And as you can see, all the officers and political representatives, they are all in the field providing necessary support to the people.